ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने प्रदेश में हाइड्रल पावर के क्षेत्र में अधिक काम करने की बात कही। अनिल शर्मा का कहना है कि प्रदेश में 84% बिजली हाइड्रल प्रोजेक्टों से प्राप्त हो रही है और इस क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। अनिल शर्मा बॉयज स्कूल मंडी के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें ऊर्जा जैसा अहम विभाग मिला है जिसमें उन्हें करने के लिए बहुत कुछ है। अनिल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश काफी आगे जा सकता है। यहाँ 26,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है लेकिन प्रदेश में अभी तक सिर्फ 10,500 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो सका है। उन्होंने कहा कि इस क्षमता को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। अनिल शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का सपना था कि प्रदेश में हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में आगे बढ़े और आज उस सपने को साकार करने का समय आ गया है। जहां मात्र 26,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता इस प्रदेश के अंदर है और मात्र 10,500 मेगावाट हम अब जनरेट कर सके हैं और ये वर्ष हम इसमें प्रयास करना है लगभग 84% बिजली जो हम प्रदेश के अंदर कंज्यूम करते हैं वो हाइड्रो प्रोजेक्ट से आती है और मेरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में पंडित सुखराम जी का सपना रहा कि हाइड्रो पावर सेक्टर में हम आगे बढ़े। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं। अनिल शर्मा ने मंडी शहर में जारी विकास कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया पुल के साथ बन रहे नए पुल के निर्माण पर अभी तक 11 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है और इसके लिए 5 करोड़ की अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने इसके लिए 5 करोड़ की और राशि जारी करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं ताकि इस पुल को जल्द से जल्द बनाकर जनता के हवाले किया जा सके। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अनिल शर्मा ने अपनी ऐच्छिक निधि से स्कूल को 11,000 रूपये देने की घोषणा भी की और कल ही मुझे जब बताया गया कि विक्टोरिया पुल के लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उसमें लगभग 10 करोड़ रुपया पूर्व सरकार ने दिया था और तीव्र गति से काम चल रहा है, परंतु लगभग 11 करोड़ का काम हो चुका है और 5 करोड़ रुपए की और मांग की। कल ही मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि ये पुल का काम रुक ना जाए, लगभग 5 करोड़ रुपए और इसमें दिया जाए और उसी वक्त उन्होंने फाइनेंस सेक्टर फाइनेंस को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द पैसा जो है देकर इसको काम को और रफ्तार दी जाए।